रेल से यात्रा करने वाले लोग थोड़ा समय रुककर इस खबर को जान लें, क्योंकि अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसे जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं जान पाए तो फिर स्टेशन जाने के बाद आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आप भी रेल से सफर कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अब आपको स्टेशन पर इंक्वायरी काउंटर नहीं मिलेंगे। अब आगे से आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तब आपको पूछताछ काउंटर ही नहीं मिलेगा। ऐसे में अब आप ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि अपने ट्रेन के बारे में जानकारी कैसे हासिल करेंगे, लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब आपको रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी काउंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जगह अब आपको सहयोग मिलेगा। रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत स्टेशनों में इंक्वायरी काउंटर का नाम बदल दिया गया है। रेलवे के इन काउंटरों का नाम अब सहयोग होगा। यहाँ पर सभी यात्रियों को ट्रेन से आने जाने से जुड़ी सभी जानकारियां भी हासिल हो सकेंगी। रेलवे बोर्ड ने इससे संबंधित आदेश सभी जोनल रेलवे को जारी कर दिए हैं। यानी कि अब आपको रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी काउंटर नहीं मिलेगा, बल्कि इसके बदले में सहयोग पर सभी जानकारियां प्राप्त होंगी। रेलवे मंत्रालय की तरफ से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। रेलवे की ओर से जारी ये आदेश सभी भारतीय रेलवे के सभी GM को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये आदेश रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग नीरज शर्मा द्वारा जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इंक्वायरी बूथ पर केवल पूछताछ का ही काम नहीं होता, बल्कि और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कई जगह बूथ पर व्हीलचेयर मिलती हैं और यात्रियों को प्रॉपर गाइड किया जाता है। रेलवे ने इनकाउंटर्स पर मिलने वाली इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदल दिया है। यानी कि अब आपको स्टेशनों पर इंक्वायरी काउंटर या बूथ के बजाय सहयोग काउंटर दिखेगा, जहां से आपको वो सारी जानकारियां मिल जाएंगी जो जानकारियां आप इंक्वायरी काउंटर पर ले लिया करते थे। तो कुल मिलाकर न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में रेलवे के द्वारा एक के बाद एक तरह तरह के नियम कानून तो लागू किए ही जा रहे हैं, साथ ही यात्रियों की सहूलियत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं। और उसी फैसले का नतीजा है कि अब रेलवे ने इंक्वायरी काउंटर को हटाकर सहयोग नाम दे दिया है। ये सहयोग आपको उसी तरह से सहयोग करेगा जैसे पहले इंक्वायरी काउंटर पर आपको मिला करता था। आपको पता है कि देश भर में लाखों ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में रेल से यात्रा करते हैं, और तो और बिहार की बात करें तो यहां से भी दूर दराज जाने वाले यात्री ऐसे हैं जिन्हें इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी काउंटर पर बहुत कुछ जानना होता है। अब ऐसे में उनको इंक्वायरी काउंटर पर जाने के बजाय सहयोग काउंटर पर जाना होगा और तमाम तरह की जानकारियां हासिल करनी होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।